ओ भाई साहब, इसे बोलते हैं मास एंटरटेनमेंट लोकेश कनगराज यूनिवर्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट लियो। क्या सोचे थे लोकेश कनगराज आपको इस ट्रेलर में हिंट देंगे कि कैथी विक्रम और रोलेक्स लियो से कनेक्टेड है या फिर नहीं, तो पता चल गया कुछ भी ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया। कैथी विक्रम और रोलेक्स लियो से कनेक्ट तो करते हैं पर कैसे, इसका हिंट देना तो दूर की बात। ट्रेलर में इसकी 1 सेकंड की झलक भी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब साफ है, जिसको भी एलसीयू यूनिवर्स से जुड़ना है तो इसके लिए 19 अक्टूबर को थिएटर्स में लियो के दर्शन करने पड़ेंगे। इस ट्रेलर की एक और खास बात यह है कि लोकेश कनकराज ने थालापति विजय की पिछली 3 फिल्में वरिसु, बीस्ट और मास्टर के दर्शन भी इस ट्रेलर में करा दिए। नहीं समझे तो फिकर नोट, अभी समझाता हूँ। अगर बात थालापति विजय की फैमिली पर आएगी तो थालापति लियो में वरिशु की याद दिलाएंगे। अगर फैमिली के लिए किसी की जान लेनी पड़े तो थालापति लियो में बीस्ट की याद दिलाएंगे, और दुश्मनों को समझाने पर भी वो नहीं माने तो थालापति लियो में मास्टर की याद जरूर दिलाएंगे। तो हुआ ना ट्रेलर में 3 in 1, लियो मूवी में ही थालापति विजय की 3 फिल्मों के दर्शन हो गए, तो ऑडियंस के लिए इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। वहीं पर अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत कंफ्यूजिंग ऑडियो से होती है। एक सीरियल किलर है जो सड़क पर सबको गोली मार रहा है, सड़क पर लाशों का ढेर लग गया है, जो सामने आ रहा है सबको गोली मार रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। तभी एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है और वो सीरियल किलर पर गोली चला देता है। अब पुलिस वाले की गन रिलोडिंग पर है और सीरियल किलर ने पुलिस वाले पर गोली चला दी। अब पुलिस वाले की गन आपके हाथ में है, तो बताओ आप क्या करोगे। उसके बाद बाबा की एंट्री होती है और वो कहते हैं लियो के बारे में, वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसका मतलब थालापति विजय अपनी फैमिली के साथ एक आम जिंदगी गुजार रहे होंगे, तभी उनकी जिंदगी में तूफान आएगा जहां उनकी फैमिली को परेशान किया जाएगा। इसका कारण क्या है, शायद इसका जवाब लियो की बैक स्टोरी में छिपा होगा जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। मूवी में अर्जुन सरजा का रोल भी खतरनाक लग रहा है, जो इस ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में उनका एक भी डायलॉग नहीं बोला गया है, उसके बावजूद ट्रेलर में वो अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे हैं। मूवी में जो CGI इफेक्ट डाले गए हैं वो काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं, चाहे वो हाइना के साथ फाइट वाला सीन हो या फिर वो ब्लड का निकलने वाला सीन हो, सभी में CGI इफेक्ट टॉप लेवल का है। विजय का ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन का तो क्या ही कहना, फिर चाहे वो सांसें लेने वाला सीन हो या फिर वो चिल्लाने वाला सीन हो, दोनों सीन्स लिटरली गूज बम्स दे रहे थे। और साथ ही में अनिरुद्ध का म्यूजिक हो तो इससे ज्यादा सोने पे सुहागा क्या ही हो सकता है। ट्रेलर में 50% काम तो अनिरुद्ध के म्यूजिक ने ही किया है, जिसका तोड़ तो हॉलीवुड के पास भी नहीं है। ट्रेलर 2 मिनट 43 सेकंड का है, इसके बावजूद मूवी की स्टोरी क्या होगी इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। अब आप बताओ, कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू को लेकर।